रेलवे ने कहा कि सभी यात्री ट्रेनों की बहाली के लिए कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पास, शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कई बार दोहराया दामाद शब्द, कहा हम दामाद और क्रोनी के लिए नहीं आम जनता के लिए करते हैं काम। बिहार में कोविड के फर्जी जांच मामले में बड़ी कार्रवाई, 7 ऑफिसर निलंबित, केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट। यूएन महासचिव पद की रेस में भारतीय मूल की महिला आकांक्षा अरोड़ा भी शामिल, भारत का बड़ा मान। तपोवन सुरंग में ड्रिलिंग के लिए लाई गई नई मशीन, अंदर फंसे हैं कई लोग। दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा हर किसी को सर ऊंचा ही रखना चाहिए। नोरा फतेही का लुक हुआ वायरल, 3.5 लाख का बैग लिया और 50,000 के जूते पहने आई नजर। फरक्का बैराज में लॉक खोलते ही प्रयागराज तक पहुंच जाएगी हिलसा मछली। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को मिला फ्रांस का साथ, तैनात की परमाणु पनडुब्बी, चिंता में चीन।